काफ़ी लोग घर खरीदते हैं, काफ़ी लोग घर बेच भी रहे हैं। अब चूंकि पिछले कई दिनों से दाम बढ़ रहे हैं तो कोई लोग फ़ायदा उठाना चाहता है, तो कोई लोगों को लगता है कोई और दाम ना बढ़ जाए तो घर खरीदना चाहता है, तो उसमें टैक्स की देनदारी का मामला बड़ा पेचीदा होता है। एक सवाल दिल्ली से आया है वासंती देवी शर्मा जी का। दरअसल इनका मामला देखिए, ये दरअसल 1998 में 49,000 में इन्होंने 25 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट खरीदा था, काफ़ी सस्ता में खरीदा था 1998 में 49,000 रुपये का। उसके बाद लगभग 4,00,000 में इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस बनवाया था और जिसे 24,00,000 में बेच दिया, 24.5 लाख में उन्होंने बेच दिया। अब उन्हें 15,00,000 में नया घर खरीदना है, तो ये पूरा मामला है। अब ये फंस कहाँ रही हैं? फंस ये रही हैं कि ये जानना चाहती हैं कि घर बेचने से जो पैसा इनको मिला है, क्योंकि 24,00,000 में घर बेच दिया है, तो बेचने से जो पैसा मिला उसको कब तक अपने सेविंग अकाउंट में रख सकती हैं ये? लक्ष्मण जी, अब ये वित्तीय वर्ष जैसे हम 23-24 में ये ट्रांजैक्शन उनका सेल का हुआ है, तो उनको समझिए इसका रिटर्न जो है वो अगले जुलाई में, जुलाई 2024 में इसका रिटर्न भरना है। तो उसके पहले उनके नए घर में जो उनका गेन हुआ है उसका उनको निवेश करना होगा, और मान लीजिए तब तक निवेश नहीं होता है तो जो रिटर्न की ड्यू डेट है तब तक उनको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे लगाने हैं। अब ये दोनों चीजें करने के लिए मान लीजिए आज से लेके उनको करीब एक साल, माना जुलाई 2024 तक ये अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें या डिपॉजिट में या और कोई भी उपयोग में ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले उनको एक्ट करना होगा। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल एक और है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कि ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन पे जो उनका खर्च हुआ है क्या वो कैपिटल गेन्स में छूट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो टैक्सेबल कैपिटल गेन कि हम गिनती करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स करते हैं, उसमें आपकी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है वो तो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलती है, पर इसके सिवा आपने जो माना कुछ भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर का जो किया है, परचेज का है इस केस में या तो सेल का है, तो जो भी खर्च आपने किया है, सो ब्रोकरेज इज एन एक्सपेंस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ट्रांसफर, और मान लीजिए उनको स्टैंप ड्यूटी का भी कोई खर्च बैर करना पड़ा हो, तो ऐसा कोई भी माना ब्रोकरेज हो, रजिस्ट्रेशन फीस हो, स्टैंप ड्यूटी हो, ये सब खर्च इनको अपने टैक्सेबल कैपिटल गेन के कॉम्प्यूटेशन में से डिडक्शन के तौर से मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पे खर्च होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बता भी रही है कि कैपिटल गेन में जो छूट मिलेगी उस छूट के पैसे से वो नए घर की मरम्मत कराएंगे, कंस्ट्रक्शन कराएंगे और वॉशिंग मशीन खरीदने का भी इरादा है, तो मुझे लगता है कि छूट मिलेगी तो अच्छी बात है, ये सारे अपने सपने पूरे कर सकेंगे। जो तीसरा एक पहलू उन्होंने अपने प्रश्न में लिया है वो बहुत ही आई वुड से लिटिल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हमें करने पर मजबूर कर दे, इस तरीके का एक बड़ा रोचक सवाल है। अब उनका ये सवाल ये है कि अगर ये जो अपना नया जो घर है वो खरीद करते हैं, और कई बार क्या होता है कि आप जो खरीदते हैं वो थोड़ा रॉब होता है, माना उसमें कोई सिविल वर्क वगैरह कुछ बाकी रह गया हो उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो उनका प्रश्न यह है कि अगर घर खरीदने की कीमत के उपरांत इसके सिवा अगर उन्होंने कुछ खर्च, मान लीजिए कोई सिविल रिनोवेशन रिपेयर्स के लिए या अपने हाउस को पेंट करने के लिए वगैरह उन्होंने किया है, तो क्या इसका खर्च भी ये कैपिटल गेन के जो पर्पस से सेक्शन 54 का इन्वेस्टमेंट है उसमें गिना जाएगा या नहीं? साथ साथ उनका टेम्पटेशन ये भी हुआ है कि ये जो सॉफ्ट फर्निशिंग कई बार करते हैं, फर्नीचर वगैरह लगाते हैं, तो उसका खर्च है वो सेक्शन 54 में मिल सकता है या नहीं? तो ये दोनों एस्पेक्ट को अगर हम लें तो सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर सेक्शन 54 के कॉन्टेक्स्ट में कुछ परचेज करता है और उसी पर कुछ कंस्ट्रक्शन करता है,
तो ये परचेज और कंस्ट्रक्शन दोनों का जो टोटल खर्च है वो इसके सेक्शन 54 में इन्वेस्टमेंट गिना जा सकता है या नहीं। तो आज से कई सालों पहले, करीब 40 साल के ऊपर की बात है, कोलकाता हाई कोर्ट के पास एक बीबी सरकार के केस में एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू खड़ा हुआ था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी में निवेश किया बाय वे ऑफ परचेज, और उसी प्रॉपर्टी में उन्होंने विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो सेक्शन 54 में होता है 2 या 3 साल का, उसी पीरियड में उन्होंने एक और उस पर एक थोड़ा एडिशनल कंस्ट्रक्शन करके एक फ्लोर खड़ा किया। तो एसेसिंग ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने यह कहा कि भाई सेक्शन 54 में इट इज आइदर परचेज और कंस्ट्रक्शन। अब आप ये जो एसएससी है, टैक्सपेयर है, वो दोनों का फायदा मांग रहा है, इसलिए मैं दोनों का फायदा नहीं दूंगा, मैं किसी एक का ही दूंगा। तो इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट एक रेशियो लेट डाउन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन में दो ऑप्शंस हैं आपके लिए कि आप परचेज करो या कंस्ट्रक्शन करो, तो अगर किसी ने दोनों का फुलफिल किया है, माना दोनों कंडीशंस फुलफिल की है, तो वो ग्राउंड पर आप अपना जो उसका डिडक्शन या एग्जम्पशन है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा बड़ा एक अच्छा इक्विटेबल और जस्ट नजरिया था कि इफ देयर आर टू कंडीशंस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू फुलफिल ओनली वन आइदर और में। इफ यू फुलफिल बोथ एंड दैट टू विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, यू शुड वेरी मच बी एंटाइटल्ड टू दिस डिडक्शन। तो वासंती देवी जी का यही मुद्दा है कि अगर इसी प्रिस्क्राइब्ड टाइम में उन्होंने परचेज भी किया और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड खर्च भी किया, तो वो दोनों को सेक्शन 54 के एग्जम्पशन के लिए गिना जा सकता है। हालांकि वासंती देवी जी को हम और भी एक उनको पॉइंट आउट करना जरूरी है कि द लैंग्वेज यूज इन द सेक्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अब आप जो सॉफ्ट फर्निशिंग इंटीरियर वगैरह करते हैं अपने घर में, फर्नीचर करते लेते हैं, टीवी करते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, उसका खर्च भले आप ये मानो कि ये तो मैंने घर के लिए किया है, बट दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर फर्निशिंग इंटीरियर, इसको कंस्ट्रक्शन का खर्च नहीं गिना जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में जो आपका सिविल वर्क है या तो जो आपका फिक्स्ड यू नो थिंग्स जो हम समझते हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये सब आएगा, पेंट भी आएगा, आपका जो ठीक ठाक रेनोवेशन का विद इन द फॉर्मेट ऑफ वॉट एवर इट इज, बट अदर देन यू नो इंटीरियर एंड फर्निशिंग जो है उसको कंस्ट्रक्शन गिना जाएगा। तो मेरे ख्याल से वासंती देवी जी की ये एडवाइस हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए उपयोगी पुरवार हो सकती है, बिकॉज यू मे हैव अ कॉम्बो, जैसे पिक्चर देखते हुए आप पॉपकॉर्न भी खाते हैं और कोक भी लेते हैं, तो आपने परचेज भी किया और उस पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी किया, तो ये दोनों का कॉम्बो भी सेक्शन 54 में आपको जरूर फायदा करा सकता है। And don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.